34,800 के करीब। ये मैं आपको सेम डे की डिटेल्स दिखा रहा हूँ, कल की 31 तारीख की। फिर नीचे आया और ये फिर ऊपर गया। अभी इसका ट्रेंड डाउनवर्ड आ रहा है। अभी हम यहाँ से ट्रेड अवॉइड करने का बोल रहे हैं कि अभी अगर ये 32,800 की स्पॉट पे जब आएगा, जब यहाँ पे दोबारा आएगा वहाँ पे इसकी एंट्री लेकर के, तो दोबारा ट्रेड निकाली जा सकती है। अभी इसमें एग्जिट करवा चुके हैं, सब वेट करेंगे। 32,800 की स्पॉट पे आएगा, वहाँ पे इसका वॉल्यूम मॉनिटर करके दोबारा एंट्री ली जाएगी। अभी देखें तो ये आपको एक दिन की $1,000 की, $1,500 की मूव मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपने $1,024 कमाए थे, ये सिर्फ डेढ़ घंटे की मूव से मैं आपको बता रहा हूँ, डेढ़ घंटे की इसकी मूव से $1,000 से $1,024 कर लिए। दोबारा नीचे आया, ऊपर गया, उस मूव से दोबारा आपने $2,425 बना लिए। दोबारा नीचे $1,000 आया, फिर ऊपर गया, फिर $2,425 बना लिए। यानी कि $1,000 के साथ आपने ऑलमोस्ट $100 या $125 एक दिन में बना लिए। लेकिन ये इसके अप ट्रेंड के ऊपर, जो ये इसको बोलते हैं साइडवे मार्केट, यानी कि BTC ना तो ज़्यादा ऊपर जाता है ना ज़्यादा नीचे क्रैश करता है, एक ही रेंज में घूमता रहता है, तो ये साइडवेज मार्केट हुई हुई है। जब BTC की मार्केट साइडवेज होती है तो तब ऑल्ट कॉइन्स को फ़ायदा होता है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि सतोशी प्राइस में ट्रेड हो रहे होते हैं, तो ऑल्ट कॉइन्स को टाइम मिल जाता है कि वो अपनी प्राइस को अप करें और अपने सतोशियों को बढ़ा लें। वो आपको सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा बताया जाएगा। ये अभी बेसिक्स आपको दिखाई जा रही हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, वन डे। ये तो मैं अभी 15 डेज का दिखा रहा था ना, मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस तरह की मूव्स BTC ने दी हैं और कितना कितना बेनिफिट हुआ है। देखिए, ये है 41,950 का लेवल, 41,950 का लेवल। यहाँ पे हमने कहा था कि BTC काफ़ी डेंजरस है, बाहर आ जाएं और इसको 36,500 पे उठाएं और 34,500 पे उठाएं। और ये देखिए, ये वो लेवल है। अब इस लेवल पे हमने DWT प्लेटफॉर्म पे हमने आपको कहा था $41,950 से बाहर आ जाएं। अब लेट्स सपोज किसी ने बेच दिया हो वहाँ पे, अगर किसी के पास BTC हो और उसने वहाँ पे एक पूरा BTC बेच दिया हो, तो मैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने लगा हूँ। $41,000 पे अगर किसी ने एक पूरा BTC बेच दिया हो, फ़र्ज़ करें उसके पास एक BTC था, अज्यूम कर रहे हैं, अगर किसी के पास एक BTC था, मुकम्मल कंप्लीट एक BTC, और उसने $41,000 पे बेच दिया, उसके पास $41,000 आ गए। ज़रूरी नहीं $41,000 हो तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आप $400, $500, $200 से स्टार्ट ले सकते हैं। इसके लिए मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीखने के लिए आप 15,000-20,000-30,000 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। उसमें सतोशी आपको कम मिलेंगे। 15,000-20,000 के सतोशी कितने मिलेंगे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज आपने 20,000 के अगर लिए हैं और 20,000 के इस टाइम हमारा जो है 20,000 की डॉलर प्राइस जो है BTC की 170 रुपये के हिसाब से डॉलर चल रहा है BTC का, इसमें 170 रुपये का डॉलर चल रहा है इस टाइम BTC का, और $117 आपके पास आते हैं, ठीक है। $117 के बदले में आप अगर BTC ख़रीदना चाहते हैं तो आपको इतना BTC मिलता है, .003485, $117 अगर आप बाइनेंस में लेते हैं, जो कि वीडियो हमारी इसके साथ मौजूद है, तो आपको इतना BTC मिल जाता है। तो वो आपका BTC जब आपको मिलता है तो आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं, अप डाउन में ट्रेड कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी बता भी दिया है, 1 इंच कॉइन है, लेकिन 1 इंच टू BTC कॉइन है। अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आपके पास इतना BTC पड़ा हुआ है ना, $117 का, ठीक है, $117 का इतना BTC पड़ा हुआ है आपके पास, आप ले सकते हैं। आपको लगता है कि यार ये 1 इंच अभी कितने का है, इसकी सतोशी प्राइस तो अभी ये आ रही है ना .0001437, तो डॉलर प्राइस इसकी ये आ रही है $4.95। आपको लगता है यार ये $7-8 चला जाएगा या डबल हो जाएगा या $8 चला जाएगा, ठीक है। अभी इसकी जो ये लेवल जो है ना 168 लेवल, आज के दिन में अगर ये 168 पे चला गया और कल के दिन में ये 168 से ऊपर चला गया, तो ये 1 इंच ब्लास्ट करता हुआ ऊपर जाएगा। ये इसने वो लेवल है जब ये कॉइन पहली दफ़ा मार्केट में आया था और इस लेवल से ये ड्रॉप किया था और उसके बाद दोबारा ऊपर गया है महीने डेढ़ महीने के टाइम में। ये देखें, जिस दिन ये आया था वो, क्योंकि उस दिन लिस्ट ऊपर हुआ था, यहाँ पे काफ़ी देर रुका रहा था, उसके बाद कुछ देर इसने नीचे गिराया, लोगों को पैनिक सेल करवाया, लोगों ने जल्दी में इसको बेच दिया, नुकसान किया,
और यहाँ से फिर उन्होंने दोबारा इसको उठा के ऊपर ले गए। तो अगर ये वाला लेवल अगर किसी दिन तोड़ दिया 168 सतोशे का, 0.000168 सतोशे, वो मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ, 0.000168 सतोशे, यानी कि $5.65 अगर इसने तोड़ा और कल के दिन में ये 5.65 से ऊपर ही रहा तो ये ब्लास्ट करेगा, ये $10 भी जा सकता है। ये हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज के हिसाब से आपको ये बात बता रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि आपके पास लेट्स सपोज वन इन आपके पास $117 हैं जो कि 20,000 के आपने ख़रीदे हैं, तो आपके पास इतने बिटकॉइन पड़े होंगे क्योंकि आप जब USDT देंगे तो BTC लेंगे तो इतना BTC आ जाएगा। तो यहाँ से वैसे तो आप डायरेक्ट US डॉलर से भी उसको बाय कर सकते हैं, लेकिन BTC के अंदर क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड हो रही होती है तो दोनों कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है। अब आपने इसको आज की तारीख में अगर बाय किया इतने का, इतने BTC का, तो आपके पास 23.4 इंच आ जाएंगे। यहाँ पे BTC बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, 1 इंच बैलेंस आ जाएगा 23.4। आपके जो $117 हैं वो उसके बदले में अगर आप BTC के सतोशे लेते हैं तो इतने सतोशे आपको मिलेंगे। वो मैंने वही बताया कि जो BTC टू USDT पेयर है वहाँ से आपको मिलेंगे, यानी कि BTC और USDT पेयर यहाँ से आपके $117 आ रहे होंगे। आप करंट प्राइस पे अगर उसको ख़रीदेंगे $117 से तो आपको इतने BTC मिल जाएंगे $117 के, 0.003467। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं आप उससे कोई कॉइन बाय करना चाहते हैं, अगर 1 इंच आप बाय करना चाहते हैं करंट सतोशे की प्राइस पे, तो आपको इस प्राइस पे मिलेंगे 23.4। ये देखिए जनाब, 23.5 1 इंच, अभी इसकी प्राइस आ रही है 0.001467 सतोशे में, सतोशे में ये प्राइस है और $4.96 का, ये $4.96 का। अभी देखिए हमारे बात करते करते ये 4.7 से 4.96 हो चुका है। अब आपको लगता है कि यार ये $5 का है, ये $10 जा सकता है, आपको ये लगता है कि यार ये $10 जा सकता है। अब हम इधर $10 लगा लेते हैं तो इसकी प्राइस सतोशी में क्या बन रही है, 0.0002958। तो ये जो सिनेरियो आपको दिखाया जा रहा है ये ट्रेड सिनेरियो है बाइनेंस का, जिस पे आप अपने ट्रेड्स कर सकते हैं, लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा ओवरव्यू देता हूं। सबसे पहले आपने बाइनेंस पे आने के बाद मार्केट्स पे आना है, मार्केट्स पे आने के बाद BNB मार्केट में नहीं जाना, ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये बाद में आपको समझ आएगा। पहले आपने इस मार्केट पे रहना है, आर्ट्स मार्केट में भी नहीं जाना, ये इथेरियम के पेयर की मार्केट है, इस पे भी नहीं जाना, इस पे भी नहीं जाना, ये कॉन्सेप्ट आपको बाद में समझ आएगा। पहला कॉन्सेप्ट है BTC और फियाट मार्केट, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने हैं आपने। मैंने बताया ये मैंने यहाँ से इसको सेट किया कि आज की तारीख में सबसे ऊपर कॉइन कौन सा जा रहा है, IDEX कॉइन जनाब। अभी हमारा सेशन से पहले ये कॉइन 170 रुपये का था, अभी मैंने जब आपकी ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी ये 207 रुपये का हो चुका है। ये अब कॉइन 24 आवर हाई क्या लगाई है इसने, 224, 24 घंटे पहले 105 सतोशे का था। इसको हम फर्ज यूँ करते हैं 0.0105 सतोशे का था, 0.0105 सतोशे, तो इसकी प्राइस क्या बन रही है, 35 रुपये, ये आपको नज़र आ रही है 35 रुपये बन रही है। अभी 0.0224 हुआ है तो इसकी प्राइस डबल होगी, ये मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ, ये 35 नहीं है, 70 से ऊपर जाने लगी है। ये देखिए 0.0, हम सतोशे को बढ़ाने लगे हैं क्योंकि अभी उसका सतोशे की प्राइस क्या आ रही है, 0.0205 आ रही है, कितना गया था 0.0224 गया था। अब मैं इसकी सतोशे की प्राइस डालने लगा हूँ, 0.0224 ये कॉइन अगर गया है तो ये जो है 70 से ऊपर जाने लगा जनाब, आपके सामने जाएगा 0.0224 जनाब 75 रुपये। कल 35 रुपये का था ये कॉइन, आज 24 घंटे के अंदर 70 रुपये का, 75 रुपये का जा चुका है। आपको कितना फ़ायदा हो गया, 100% से ज़्यादा IDEX कॉइन के ऊपर। IDEX कॉइन क्या है, ये इनकी अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, सबसे पहली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इस कॉइन ने निकाली थी। वो अलग बात है कि इसके बाद बहुत से अच्छे प्लेटफॉर्म्स आए जिन्होंने अपनी अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस निकाली, वो क्या होती हैं, वो क्रिप्टो की दुनिया की एक अलग फील्ड है, वो आपको समझाई जाएगी।
हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारा DWT YouTube चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे तमाम नए आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फेसबुक पे हमारा डिजिटल वर्ल्ड ट्रेड फेसबुक पेज लाजमी लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।